हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। मेरे को बहुत दिन से मन था एक गार्डन स्टैंड लेने का, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, देखिए इसमें दो लेयर्स हैं, एक लेयर तो ये वाली है और एक लेयर ये वाली है, तो इसमें छोटे पॉट्स रख सकते हैं, इसमें बड़े, या दोनों में बड़े बड़े रख सकते हैं। और मैं अभी पॉट्स अरेंज करके भी दिखाऊंगी कि इसमें कितने पॉट्स आ जाते हैं, नीचे वाले में और ऊपर वाले में। इसका डिस्टेंस मेजर करके दिखाऊंगी आपको, ये कितना है इसकी विड्थ और इसकी हाइट। हाइट मतलब यहाँ से लेकर पूरा फ्लोर तक, और इसकी हाइट कितनी होगी ये भी बताऊंगी, और इन दोनों का गैप कितना है ये सारा डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और मेन चीज में बताऊंगी आपको कि इसकी चौड़ाई कितनी है, ताकि आप कितने चौड़े गमले इसमें रख सकते हो। और ये बहुत ही स्ट्रांग सर्डी है, मैं पहले भी एक ले चुकी हूँ ऐसा स्टैंड, और इसकी कॉस्ट थी 800 रुपीज। और ये पीछे से इसमें ये थोड़ा सा ये दिया हुआ है, व्हाट इज इट कॉल्ड, अ काइंड ऑफ डिजाइन, और ये पीछे गमले गिरने से बचेगा। वैसे तो अगर आप इसको दीवार के सहारे लगा देते हो तो ठीक रहता है, मगर इफ यू पुटिंग कीपिंग द स्टैंड हियर लाइक दिस, तो ये थोड़ा सपोर्ट दे देता है। तो इसको मैं गमले लगा के दिखाऊंगी कि मैं कैसे अरेंज करूंगी इसको बड़े। मैं सोच रही हूँ जो अभी विंटर टाइम है, दिस इज मिड दिसंबर, 15 दिसंबर इनफैक्ट, तो अभी सन कम मिलता है, तो जिन प्लांट्स को सन चाहिए, रोजेज हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनको आई वांट मैक्सिमम ऑफ दीज फ्लावर्स टू बी इन दिस स्टैंड। ये स्टैंड खरीदा भी मैंने इसीलिए, तो मैंने लेंथ ये सब कुछ उसमें डाल रखी है। तो और आज शाम को मैं फिर से वीडियो बन इसी में कवर करके दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अरेंज किया इनमें प्लांट्स, सन लविंग प्लांट्स। अब ये देखिए, स्टैंड में सारे कोलियस एक साथ आ गए, पूरा कोलियस कॉर्नर ही बना दिया है मैंने, और इनमें सब में अच्छी धूप लगेगी। और कितने सारे पॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉट्स छोटे और बड़े मिला के इसमें एक साथ आ गए, और ये ऊपर वॉल में है। अब ये अरेंज करने के बाद बड़ा नीट लुक दे रहा है। ये देखिए, ये एक ऑप्शन वर्टिकल स्टैंड का है, इसमें 5 पॉट्स आ जाते हैं, 5 पॉट्स की स्पेस है, और इसमें एक्चुअली स्पेस सेव होती है। अगर इसको 5 पॉट्स को रखा जाए तो ये ज़्यादा जगह घेरते हैं, अगर वर्टिकल स्टैंड में रखें तो ये जगह कम घेरते हैं, और लाइट भी सनलाइट भी पूरी मिलती है विंटर्स में। ये देखिए, एक और ऑप्शन है जिसमें एक सिंगल पॉट को सिंगल स्टैंड में रखा हुआ है, ये एक पॉट है, इसके नीचे ये स्टैंड है, एक और टाइप है ये वाला। ये भी अच्छे रहते हैं, इसमें ड्रेनेज भी बहुत अच्छा रहता है पॉट्स का। ये कंटेनर गार्डनिंग का थोड़ा बड़ा पॉट है, इसके लिए एक सिंगल स्टैंड चाहिए था, इसके लिए तभी मैंने एक सिंगल स्टैंड लिया है। ये वर्टिकली स्पेस यूज करने के लिए, मैं नर्सरी में हूँ, ये नर्सरी में ये 2500 का है, यहाँ से हैंग किए हुए, इसमें पूरे फर्न्स ही फर्न्स हैं। एक और दिखाती हूँ इसी टाइप का, इसमें गोल्डन फर्न लगा हुआ है, और इसमें ये मैं अभी स्टैंड दिखा रही हूँ 2500 का, और ये माइनस द प्लांट है, खाली ये स्टैंड की बात कर रही हूं मैं। और ये 3000 का है, इसमें एक्स्ट्रा है थोड़े, ये देखिए, जैसे ये एक एक्स्ट्रा है, यहां पर एक्स्ट्रा है, इसमें थोड़े ज्यादा प्लांट्स आ जाते हैं, ये 3000 का है, ये स्पेस यूज हो जाती है ज्यादा इसमें। ये भी 3000 का है, ये देखिए, इसमें बहुत सारे खाली है, ये दिख रहा आराम से, ये
ये, और यहाँ से ये हैंगर्स है, ये हैंग कर रहा है, ये 3000 का है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।